हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज फिर से एक बार आप लोगों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूँ। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा मैंने निभाने की पूरी कोशिश की है। आज पूरी तरह से मैं एंगर के ऊपर एकदम कंट्रोल हो रहा था। वैसे आज मुझे गुस्सा दिलाने वाला कोई काम हुआ भी नहीं। घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल है और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो है कि मैं ना निराश सी हो रही थी कि यार देखो ना, 9 दिन में हम लोग मिल के पूजा नहीं कर पाए पूरा परिवार। कभी इसके पापा बाहर, कभी चाचा बाहर, कभी कुछ। तो फाइनली नवमी वाले दिन हम लोगों ने अच्छी तरह से मिल के सब परिवार हवन किया और बहुत अच्छा लगा। बाबूजी मम्मी जी सब लोग थे, लेकिन ये है कि हाँ, हवन हमने रात के टाइम में किया, यानी कि 7 बज गए थे हम लोग को करते करते। सारा सब कुछ हमने बनाया, प्रिपेयर किया, घर का जो भी माता रानी का भोग होता है वो सब तैयार करने के बाद हमने मिलके हवन किया और जो उनको हम लोगों ने झंडा चढ़ाया था वो भी ऊपर लग गया है घर में। दोनों नवरात्रि में हम लोग झंडा चढ़ाते हैं लाल रंग का। आपने देखा होगा मैं कभी ऊपर का वीडियो बनाती हूँ तो मेरे घर पे एक लाल रंग का झंडा लगा होता है। लास्ट टाइम इसके चाचू ऑरेंज ले आए थे, लेकिन इस बार वापस से लाल ही लेकर आए हैं और वो लगाना अच्छा होता है। माता का ध्वज लगाना बहुत अच्छा होता है। तो ये काम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया है और आज दशहरा है। आज से एकदम कमर कस ली है इसके पापा चाचा ने कि घर की जो साफ़ सफाई दीपावली की है ना वो शुरू हो गई है, क्योंकि धनतेरस से पहले ही इन लोगों को सब पूरा फिनिश कर देना है, बाइंड अप कर देना है। हमारी शॉप है और वो उसी टाइम में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें प्लानिंग की गई हैं। और यहाँ पे मेरा साथ जो है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। रीज़न, मुझे डस्ट वस्ट जैसे ये चीज़ें शुरू होती हैं मैं अपने आप को कमरे में पैक कर लेती हूँ, जो मैंने आज भी किया। मुझे सिर्फ ये करना है कि सबके गर्म कपड़े निकालने हैं, उनको धूप दिखानी है, क्योंकि सुबह सुबह उत्कर्ष जब जाते हैं ना तो इतनी ठंड लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे लगता है कि बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि बस वाले भैया जो है ना शीशे वगैरह खोले रहते हैं। तो ये कुछ मेरे अपने टारगेट अलग चल रहे हैं, उन लोगों के अलग चल रहे हैं। कितना क्या हो पाता है वो तो आप लोगों को बाद में ही बता पाऊंगी। और मैं ना सबका व्लॉग देखती ही हूँ तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। सब लोग कंचुकों की पूजा कर रहे थे, हमारे यहाँ कन्या पूजन बोलते हैं और कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन हमारी कॉलोनी में कन्याओं की ना कमी है। सब लड़के ही लड़के हैं, उत्कर्ष भी है और सब जो 2-4 बच्ची हैं काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं और बहुत छोटी छोटी सी हैं नवजात जो है ना 1-6 महीने की, साल भर की। तो उन कन्याओं को क्या बुलाओ क्या खिलाओ, वो तो इतनी छोटी होती हैं। तो मैंने इस बार जो है देवी मैया के मंदिर में अष्टमी में जहाँ पे कन्या भोजन हो रहा था वहीं पे सारा सब कुछ भेज दिया था और वहीं पे इसके चाचा ने सब करवा दिया अच्छे से। और कई लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, केवल कन्याओं के लिए नहीं सभी के लिए चलते हैं, लेकिन कन्याओं के लिए विशेष होता है। तो मैंने वहीं पर सब चीज़ें भिजवा दी थी। और उत्कर्ष को बड़ा वो लगता है कि मम्मी सब लोग कितना सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सब कहाँ जा रहे हैं, और जो दरवाज़ा खोलो उस दरवाजे में उन कन्याओं को बुलाया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ आ जाओ थोड़ा सा खा लो। मुझे मैंने भी देखा इस बार कॉलोनी में से कई जगह से आवाज़ आ रही थी कि यार कन्याएं नहीं मिल रही हैं, कैसे होगी पूजा क्या होगी। और मैं सोच रही थी कि सोचो अगर मैं भी एक फान लेती कि नहीं कन्या पूजन करना है तो मैं कहाँ से लेकर आती, यहाँ तो 5 कन्याएं मिलना भी बड़ा मुश्किल है और हम तो 9 से 11 हो जाए, 12 हो जाए या उससे ज़्यादा ही हो जाए, और हमारे यहाँ तो लंगूरे ही लंगूरे भरे पड़े हैं तो क्या करूँ। लेकिन अच्छा है, ठीक है, हमें एक मंदिर मिल गया जो देवी मैया का ही मंदिर है और विशेष पूजा होती है वहाँ पे पूरे 9 दिन। आपको जिस दिन वहाँ पे अपना भोजन कराना है आप करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पता चली हैं तो अच्छा लग रहा है। आगे के लिए सब चीज़ें पहले से प्लानिंग हो जाती है कि हाँ ठीक है हम यही, और हमारा कोई निश्चित नहीं रहता ना कि हमारे यहाँ सब ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि सबकी तबीयत ऊपर नीचे हो रही होती है। तो ज़्यादा मैं पहले से कुछ बोलती नहीं हूँ कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। और हाँ, किसी ने मुझे मेरे ही व्लॉग में कमेंट किया था कि आप देवी मैया से इतना डरती क्यों हैं। मैंने शायद अपने व्लॉग में ये बताया था कि उत्कर्ष डरते हैं, संकल्प लेने से डर गए और ऐसा वैसा। एक्चुअली में क्या है ना कि देवी मैया जागृत देवी हैं, जागृत होती हैं। हमारे सभी देवी देवताओं में जैसे हम मानते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करो तो वो भोले भाले हैं, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जहर को एक्सेप्ट कर लेता है, मृतक की राख एक्सेप्ट कर लेता है, उसको आप क्या ही सोचोगे कि वो कितना क्रोधित होगा। लेकिन देवी मैया, विष्णु भगवान, ये लोग जागृत देवी देवता होते हैं। और जो मैंने सीखा है, मैंने जो बनारस में सीखा है, अपने घर परिवार में देखा है, उससे मेरे मन में भी एक छवि बनती गई है कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना, ये करना। फिर मुझे यही लगता है कि यहाँ पर हमारे घर में 2-2 पेशेंट्स हैं
उनकी देखभाल करते हुए हमें अखंड ज्योत भी देखनी होती है, हमें सब कुछ देखना, हम कितनी बार कपड़े चेंज करेंगे, कितनी बार क्या चेंज करेंगे, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को करती हूँ कि हमसे कोई गलती भी ना हो, देवी मैया रुष्ट भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि हम उनकी पूजा ही ना करें। तो यथाशक्ति यथा भक्ति मैं करती हूँ। डरने की बात नहीं है, लेकिन डर इस बात का रहता है कि त्रुटि हो ना जाए, क्योंकि जागृत देवी देवताओं की पूजा का साधना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन होता है। या तो करो तो अच्छे से करो, या तो बिल्कुल नहीं करो वाला हिसाब किताब होता है। इसलिए मैं डरती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं डरती कि देवी मैया की तरफ देखूँ ही नहीं। आपने सही बोला था कि देवी मैया तो माँ है, माँ बच्चों के लिए सब कुछ माफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी हम एक गृहस्थ जीवन में हैं, तो ऑब्वियसली अगर उत्कर्ष से कभी कोई गलती होती है तो मैं भी गुस्सा होती हूँ, उसको सज़ा देती हूँ, तो ऑब्वियसली देवी मैया भी हमारी माँ है, तो वो हमें सज़ा दे सकती है ना। तो बस यही भाव मेरा रहता है उनके साथ। एक चीज़ और मेंशन करनी थी कि बच्चे के लिए या बच्चों के लिए माताओं की तो भावनाएं एकदम अलग ही होती हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। मैं इधर बीच उत्कर्ष में काफ़ी चेंजेस नोटिस करती हूँ, उत्कर्ष के बिहेवियर में, उत्कर्ष के रहन सहन में, वाद व्यवहार में काफ़ी कुछ मैं चेंज नोट करती हूँ। एवरी डे मेरा कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से स्ट्राइक होता है कि अरे ये ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी क्लास में जा रहा है, बड़े बच्चों के साथ उठना बैठना है, इसका परिवेश चेंज हो रहा है। जो भी चीज़ें मैंने घर में इसको सिखाई हैं या समझाई हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस इसके बिहेवियर में मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं नज़र रख रही हूँ, नज़र रख पा रही हूँ अभी भी इसके ऊपर, और इसको वक्त दे पा रही हूँ। कई बच्चे मेरी नज़र में ऐसे आए इधर बीच जो छोटे हैं, लेकिन उनको बात व्यवहार करने का तरीका नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी माँ को भी उठपटांग बोल दे रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मैं खींच दूंगा, घर चलो पापा से पिटवाऊंगा। कई तरह की चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ ना, तो फिर लगता है कि नहीं, अच्छी परवरिश दी है उत्कर्ष को, और भगवान बस ये परवरिश बनाए रखे। और हमेशा एज यूजुअल प्रार्थना में मेरे यही रहता है कि इसका अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी बुद्धि मिले इसको, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और वो मेरा कॉन्सेप्ट कि हाँ बच्चा फर्स्ट आए और ये हो वो हट चुका है मेरा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन मैं इसके मन में नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि उसका भी मैंने परिणाम देख लिया है। एक दो बच्चे, छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले गए, छोटे बच्चे, सोचो अभी इनकी उम्र ही क्या है, 10 साल 9 साल, बस यही है, उत्कर्ष इस साल 10 साल के हो जाएंगे, तो इनकी ये तो एज है, थर्ड में उत्कर्ष है, इस एज का बच्चा अगर डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर बाद में ये क्या करेगा। अगर हम अभी से इसको इतना प्रेशर देंगे तो क्या होगा। मतलब मैंने बच्चों को जब इस हालत में देखा ना, तो मुझे लगा कि यार कैसे, हम तो इस उम्र में ये सब कुछ हमारे लिए तो मैटर ही नहीं करता था, हम लोग तो आराम से बस परीक्षा दो, रिजल्ट आया, मिठाई खाओ, हुर्रे। चलिए, नॉइस पोल्यूशन ना बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं ब्लॉग को एंड कर ले रही हूँ। ये सब बातें मैं बाद में भी कर सकती हूँ। आप लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हाँ, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा बीता है, मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसी हंसती खेलती रहूँ। और किसी ने मुझसे कहा है कि अगर आप हंसते मुस्कुराते रहोगे ना तो आपकी त्वचा जवान रहेगी, आप सुंदर लगोगे, तो ऑब्वियसली सुंदर लगना कौन नहीं चाहता है। चलिए, हो गई हंसी मजाक, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।